राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ चातुर्मास के लिए। चातुर्मास एक ऐसे चार महीने जिन चार महीनों में हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, यानी शुभ कार्य कोई भी नहीं होता है इन चार महीनों में। और इसका कारण ये है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं चार महीने के लिए, इसलिए कोई भी शुभ कर्म नहीं होता। तो इन चार महीनों में हमें बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, और इन चार महीनों में हम बहुत सारी चीज़ें खा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें पी नहीं सकते, और पूजा पाठ हमें क्या करनी है और कौन से मांगलिक कार्य करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, या कोई भी शुभ अशुभ कैसे होता है, ये सब जानकारी मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। चातुर्मास की शुरुआत हर साल अषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से होती है, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। यानी इसी दिन के बाद से भगवान विष्णु चार महीने के लिए सोने चले जाते हैं, और इसके बाद जब चार महीने बाद एक एकादशी आती है, उसको बोलते हैं हम देव उठनी एकादशी। यानी उस समय भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं, और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को पड़ रही है, यानी आने वाली इसी 17 जुलाई को, बहुत ही नज़दीक है। इसलिए आप ध्यान से सुने, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानता में कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसका हमें परिणाम बहुत ही बुरा भोगना पड़ता है, इसलिए ध्यान से इसको सुने। कुछ लोग तो चार महीनों तक एक ही समय भोजन करते हैं और दिन भर व्रत रखते हैं, यानी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। इन चार महीनों में ज़्यादातर लोग यानी भक्त भगवान के ध्यान, साधना, भजन, तप, पूजा पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। वैसे तो यदि हो सके तो इन चार महीनों तक हमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इन चार महीनों में शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ वक्त हमें दिन में जितना हो सके मौन रहना चाहिए। सुबह शाम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यानी जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हो, कृष्ण हैं, राम हैं, शिव हैं, माता हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनकी नियम से पूजा और कुछ समय इनके सामने बैठकर हमें कीर्तन रोज करना चाहिए। इन चार महीनों में दान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है, और दान भी कैसा दान, जिसको ज़रूरत है वहाँ आप दान करें, वही दान महादान बन जाता है। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको दान करने का कोई फल नहीं मिलता। इन चार महीनों में आप गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, ये बड़ा ही कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में वृक्ष लगाने से प्रकृति बहुत प्रसन्न होती है, और एक वृक्ष ऐसा है जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, वो है पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं। इन चार महीनों में पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। इन्हीं चार महीनों में आता है श्रावण का महीना, और श्रावण का महीना भगवान शिव का जो है विशेष महीना माना गया है, इसलिए भगवान शिव आराधना करना, उन पे जल चढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, भगवान शंकर का कीर्तन करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। और इन चार महीनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए ये ज़रूर सुने। इन चार महीनों में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि ये तामसिक भोजन होता है। नंबर दो, भूलकर भी इन चार महीनों में बुजुर्गों का अपमान ना करें, गरीबों का अपमान ना करें, महिलाओं को भूल से भी अपमानित ना करें। ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और इसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। नंबर तीन, कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर चार, नया वाहन न खरीदें, या तो पहले ले लें या फिर बाद में लें। कोई भी नई प्रॉपर्टी न खरीदें, नए घर का निर्माण न करें, कोई भी नया बिजनेस यानी कोई भी व्यापार, कोई दुकान खोल रहे हो, कोई भी ऑफिस खोल रहे हो, वो आरंभ ना करें, और भूमि पूजन भी ना करें, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इन चार महीनों में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये जान लेते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। ये आप ध्यान दे करके सुनेंगे, नहीं तो आपको इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। नंबर एक, चातुर्मास में हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे मेथी हो गई, पालक हो गया, बथुआ हो गया, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बरसात के कारण जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें बैक्टीरिया लग जाता है, जिससे पेट और त्वचा के रोग पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर में। नंबर दो, चातुर्मास में बैंगन और मूली
यानी बैंगन हो गया, मूली हो गई, करेला हो गया, कंद हो गया, और यहाँ तक कि शहद भी नहीं खाना बताया है, ये सब चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। नंबर 3, चातुर्मास में दूध और दही का सेवन आप अगर आपको करना ही है तो कम करें, ज़्यादा ना करें। मसालेदार जो भोजन होता है चटपटा, वो भी खासकर तली हुई चीज़ें, क्योंकि इन दिनों में पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है, मंद पड़ जाती है, तो इन सब चीज़ों को भी ना खाएं। इससे आपके शरीर में एसिड बनेगा, गैस बनेगी, तो ये सब भी हानिकारक होता है। इसलिए अगर हम इनको मानेंगे तो ये हमारे लिए ही लाभकारी होता है। इस वीडियो को लाइक भी करें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, सबके पास भेजें, जिनके पास जानकारी नहीं है उनको भी पता चलना चाहिए, ये भी एक पुण्य का ही काम होता है। इसलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।